मुआवजा राशि जो प्राप्त हो रही है 2,76,200 रुपए। श्री जयप्रकाश, और ये भी देखिए एक मानवीय चेहरा मुख्यमंत्री महोदय का, उम्र देखकर उनके पास पहुंच रहे हैं, यही सरकार की प्राथमिकता। जोरदार तालियां बजें। वरिष्ठ हमारे किसान और उन्हें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मंच छोड़कर उन तक पहुंचे हैं, और जो बात अभी सर ने कही किसानों का मुआवजा उनके खेतों में जाकर दिया जाए, इसी तरह की भावना परिलक्षित होती हुई। अप्रैल के महीने में कुछ किसान आए, उन्होंने कहा जी हमारी बेमौसम बरसात हो गई, बरसात की वजह से हमारी फसल बर्बाद हो गई। मैं उनके साथ ही हो लिया और 8-10 गांव में मैं घूम के आया, मैंने देखा कि फसल काफ़ी बर्बाद हो गई थी, और वहीं हम लोगों ने फिर ऐलान किया कि उनके साथ बैठ के वहीं खाट पे हमने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी। मैंने कहा जी बताओ जरा कितना खर्चा आया, कितनी फसल कितना होना चाहिए। सो 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने तय किया और किसान बड़े खुश हो गए। और हमने उस वक्त ना केवल ऐलान किया बल्कि 2-3 महीने के अंदर सबके खातों में भी पहुंच गया पैसा। आज फिर से ये अक्टूबर के महीने में अभी अपने फिर बेमौसम बारिश हो गई, बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई, तो अब फिर से हम लोगों ने 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया है। इसमें जिन जिन किसानों का, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा गुना भाग नहीं किया, नहीं तो अगर ज़्यादा मुश्किल कर दो, कॉम्प्लिकेट कर दो, तो नीचे अफसर को फिर वो अफसर कहता है अच्छा इसमें इतना कर दूंगा तो इतने पैसे दे दे, इतना कर दूंगा, तो वो कुछ रखा ही नहीं आपने। हमने सिंपल रखा है भाई, 70% से कम लॉस हुआ तो 70% दे देंगे और 70% से ज़्यादा लॉस हुआ तो 100% दे देंगे। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अक्टूबर में लॉस हुआ था और 2-3 महीने लग गए सर्वे कराने थे, सारे सर्वे अब कंप्लीट हो गए हैं मुझे बताया गया। मैं सारे अफसरों को और कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं किसानों की तरफ से कि इतनी जल्दी उन्होंने सर्वे कंप्लीट कर लिया। तो आज से सबके चेक आने चालू हो जाएंगे। आज हम 10 या 11 किसानों को मैं दे रहा हूँ चेक। किसानों की बात है, मैं तो चाहता था कि आपके खेतों में आके ये चेक बटने चाहिए, खेतों में होने चाहिए थे, गाँव में ये सभा गांव में होनी चाहिए थी और हजारों की तादाद में किसान होते तो मज़ा ही अलग होता। लेकिन कोरोना का टाइम है, कोरोना की वजह से मीटिंग वीटिंग ज़्यादा करनी ठीक नहीं है, तो ये छोटा सा कार्यक्रम हमने ऑडिटोरियम में किया है।